गिरिराज धरती में किसी प्राण को निकालने के लिए आए। किसी गांव में प्राण निकाल रहे थे तो रास्ते में एक और स्त्री को देखा तो वो कन्या अति सुंदर थी और उस पर यमराज मोहित हो गए। सोचे कि इतनी सुंदर कन्या तो यमलोक में भी नहीं है, तो ये हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो भूलोक में मोहित हुए यमराज ने भूलोक में ही उस कन्या के साथ शादी कर ली और यहीं वो संसार बसा करके उसके साथ रहने लगे। अब यमराज की भी गलती हो गई, उन्होंने रूप पर मोहित हो करके शादी तो कर ली, उसका स्वरूप देख करके खुश तो हो गए, लेकिन जब संसार शुरू किया, उसके साथ गृहस्थी शुरू की, बाद में मालूम पड़ा कि ये जितनी रूप में रति है उतने ही गुण में शूर्पण का है। अब हर दिन यमराज को ही टॉर्चर करे। अभी टॉर्चर करने में पूरे संसार में यमराज से बड़े किसी को शास्त्रों में नहीं बताया गया है। आप देख सकते हैं कि धरती में पाप किए हुओं के नरक लोक में क्या क्या यातनाएं दी जाती है, इसके बारे में बड़े बड़े पुस्तक मिलते हैं। उसको बड़े बड़े कढ़ाई में उबाले हुए तेल में तलना, उसको बड़े बड़े सुई लगे हुए बड़े बड़े खंडों में उतार करके ऐसे पचाड़ के मारना, आरी से काट काट के उनको परेशान करना, और कितने ही तरह के आग में डाल करके जलाना, ऐसे यहां से गए हुए पापियों के यमराज किस प्रकार यातना देते हैं, ऐसे लाखों कहानियां सुनने में आती है। और इस डर से ही आज भी भारत में कई लोग धर्म करते हैं कि कहीं मरने के बाद यमराज की यातना न सहन करना पड़े। इस चक्कर में कई लोग आज भी, क्योंकि हम धर्म करते हैं, धर्म भी धर्म के लिए नहीं डर के लिए करने वाला धर्म बहुत ज्यादा के नहीं करूंगा तो परेशान होऊंगा, ये करूंगा तो परेशान होऊंगा, ऐसे डर डर के करने वाले धर्म भी बहुत सारे हैं। जो दुनिया में टॉर्चर के लिए पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, वो यमराज ने पहले बार टॉर्चर क्या होता है ये अनुभव किया कि संसार में टॉर्चर क्या होता है। यमराज मन में सोचने लगे, प्राण निकालना भी इतना बड़ा टॉर्चर नहीं हो सकता जितना जीवित रह के ये पत्नियों के साथ जीवन चलाने में टॉर्चर आता है। अब वो हर दम इनको नींद नहीं लेने दें, बात बात में इनको परेशान करें, बात बात में इनको रखड़े, बात बात में इनको टोकें, बात बात में इनके साथ नाराज होए। अब यमराज मन में सोचा, इसको पत्नी तो बना लिया लेकिन इसके साथ रहूं क्या, रूप में तो रति से आगे निकल रही है, गुण में तो ये शूर्पणखा से भी भयंकर है। तो उन्होंने सोचा कि ये संसारी लोग कैसे अपनी पत्नियों के साथ रहते होंगे, बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, देखो ये ऐसी है। इतने में एक बच्चा भी हो गया यमराज को, वो बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन यमराज उस बच्चे पर इतना प्यार पा चुके हैं कि उस बच्चे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन पत्नी के साथ भी रह नहीं सकते। पत्नी इधर टॉर्चर करे और बच्चे को देखे तो प्यार उमड़े। अब मैं भी संत मन के कई बार सोचता हूँ कि इंसान आखिर कई बार आके शिकायत करता है कि मेरे परिवार में अशांति है महाराज, फिर भी परिवार में क्यों टिका रहता है। फिर मालूम पड़ता है कि संसार का दुख एक तरफ, पुत्र का मोह एक तरफ, परिवार का मोह एक तरफ, दोनों मिलके उसको सताते हैं तो मोह जीतता है। इन बच्चों के चेहरे को देख करके वो अपने जीवन में और आगे बढ़ता ही रहता है। दिखता तो है कि संसार में कोई सुख नहीं है लेकिन मोह उसको उस संसार में अच्छे से फंसा के रखता है। तो यमराज बहुत कोशिश करते हैं कि भाई मैं कैसे भी संसार में इधर रहूं, क्योंकि उनको उस बच्चे पर बहुत प्यार हो चुका है, लेकिन जिस पत्नी को उन्होंने सब कुछ मान के शादी किया, अब उसका जो यातना है वो इतना भयंकर हो चुका था, वो बात बात में यमराज को परेशान करे, यमराज को उसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं कि कहीं ये मेरे सामने आके कुछ बोल न दे। यमराज को घबराहट प्रकट करा रही है वो स्त्री। अब एक दिन यमराज को लगा कि अब हम यहाँ सहन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यमराज की ये हालत कर दी तो संसार में कितनी ऐसी स्त्रियाँ होगी जो अपनी पत्नी की हालत पतली कर देती होगी। तो मैं बड़ा सोचता हूँ कि फिर भी संसार में रहे हुए लोग धन्य हैं और स्वतंत्र ज्ञानियों को नमस्कार है।